नमस्कार मु भवानी आपनकु स्वागत करूछि आम मंदिरर आउ एक नुआ अध्याय को। आज आम मंदिर रे आसंतु जानिबा गुजरात रो द्वारका रे अवस्थित द्वारिकाधीश मंदिर विषय रे। गुजरात रे अवस्थित द्वारिकाधीश मंदिर जहाँ भारत रे एक प्रमुख तीर्थस्थान भावे जनाशुना। द्वारका भगवान श्रीकृष्ण एकदा राजधानी थिला बोली पुराण रे उल्लेख रही। पुरातन काल रे एहाकु द्वारवती नाम रे जनाशुना थिला। समुद्र कूल रे प्राचीन नगरी रे रही भैव मंदिर। एठारे लोके भगवान को राजा भली पूजा करिथांती। हिंदू धर्मावलंबी पवित्र तीर्थस्थान कहुवा द्वारकारे भगवान विष्णु शंखासुर नामक राक्षस को बध करिथिले। किंवदंती अनुसारे भगवान श्रीकृष्ण कंसर बध कलापर कंसर श्वशुर जरासंध 17 थर मथुरा उपरे आक्रमण करिथिला, जेउथिपाई प्रभु श्रीकृष्ण मथुरा छाड़ी द्वारका चली आसीथिले आउ द्वारका रे बास करिथिले। तेबे मंदिर स्थापना नै कोनोसी इतिहास नै। देश स्वाधीन समय मंदिर नष्ट होइ जैथिला, परे शंकराचार्यंक द्वारा पुनर्निर्माण करा जैथिला। जोठ 60 स्तंभ सहित देवी देवता और पशुपक्षी कलाकृति रही। मंदिर में दुईट द्वार रही, प्रवेश करने द्वार को स्वर्ग द्वार और बाहर को आसवा द्वार को मुख्य द्वार बोली कहुए। यह मंदिर में 11 थर भोग और 4 थर आलती होता है। राति शयन आलती पर मंदिर पहुड़ी पड़ता है। द्वारकाधीश मंदिर में पालित होता पर्वपर्वाणी गुड़िक मध्य जन्माष्टमी उत्सव खूब आड़म्बर सहकार पालित होता है। यह मंदिर किसी दूर से रही माँ रुक्मणी मंदिर। किंवदंती अनुसार थे ऋषि दुर्वासा श्रीकृष्ण और रुक्मणी को से रोकवा स्थान को जीवा कही जीवा बाटर रुक्मणी को शोष लगभग रुक्मणी श्रीकृष्ण को पा मागे आखपाखे पानी कौन से सन्धान नपाइव प्रभु श्रीकृष्ण एक छेद कर गंगा नदी पा से नहीं आसते। ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो रुक्मणी को सहीठे रही अभिशाप देते। यह कारण जो रुक्मणी मंदिर द्वारका ठार बाहर रही। गोमती नदीकूल अवस्थित यह प्राचीन नगर अहमदाबाद ठारू दूरता प्राय 300 किलोमीटर होता बेले जामनगर ठू मात्र 130 किलोमीटर दूर से अवस्थित। प्रतिवर्ष यठा को लक्ष लक्ष श्रद्धा तीर्थ से आसी था द्वारकाधीश को दर्शन करने। दर्शक बंधु आम मंदिर आज अध्याय को ये रखु, पुणी देखा आउ एक अध्याय आउ एक मंदिर सह रुचु। नमस्कार।